वेलकम टू माय चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में जैसे कि आप देख रहे हो यूरोफिया इन्फोटेक शेयर पे आज की वीडियो है लेकिन गाइस इसके आगे मैं एक और आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूंगी प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा स्किप मत करिएगा कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मिस हो सकती है कैसे कि फुल स्टेक आईटी और आईटी टी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली ये यूरो आ, यूरिया यूफोरिया इन्फोटेक की शेयर आज के दिन बीएससी और गाइस एस

करीब नब्बे गेन मिला है लिस्टिंग के बाद शेयर और उछल गए अनुल करो 199.50 पैसे के अपर सर्किट पर पहुंच हैं। आईपीओ निवेशकों को अब तक नाइन्टी नाइन पॉइंट का मुनाफा हुआ है। यानी कि निवेशक के पहले ही दिन पैसा उनका डबल हो गया है है देखिए यूफोरिया इंफोटेक का नाइन पॉइंट सिक्सटी करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए उन्नीस से लेकर 24 जनवरी तक खुला हुआ था निवेशकों के दम पर इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस भी मिला था ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 383 गुना सब्सक्राइब हुआ था देखिए क्वालिफाइड इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्व हिस्सा है चार सौ तेरह पॉइंट छब्बीस गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का हिस्सा दो सौ अस्सी पॉइंट एट्टी एट गुना और इन्वेस्टरों का हिस्सा चार सौ छब्बीस पॉइंट पैंसठ गुना भरा हुआ था गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एस आई के तहत दस रुपये की फेस वैल्यू वाले नाइन पॉइंट सिक्सटी लाख नए शेयर जारी हुए हैं एंड इन शेयरों का इस्तेमाल जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरत को तो पूरा करने और आम कॉपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा गैस अगर मैं आप लोगों से यूफोरिया या इन्फोटेक के बारे में बात करूँ ना तो मई दो में बनी कोलकाता की यूफोरिया या इन्फोटेक ई आर जो कि ई आर पी ई कॉमर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड बेस्ड टूल्स और डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी आईटी और आईटी टी अनेबल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है इसके सॉल्यूशंस को पांच कैटेगरीज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग में बांटा जा सकता है कंपनी की फाइनेंशियल चेज़ की बात करें तो यह लगातार मकईस मजबूत हो रही है मैं आप लोगों को इसकी फाइनेंशियल थोड़ी सी डाउट मतलब आप लोगों को फाइनेंशियल मतलब का हाईलाइट दे देती हूँ कि फाइनेंशियल या दो में इसे 26.17 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था जो कि पिछले ही मतलब सॉरी अगले ही फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 19.90 लाख गुना 99 लाख एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 1.30 करोड़ पर पहुंच गया है इस दौरान रिवेन्यू भी सालाना आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक सी एच से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.38 करोड़ पर पहुंच गया है एंड अब फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में अप्रैल और सितंबर को दो को 60 पॉइंट फोर्टी नाइन लाख रुपए का नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू थ्री पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ का हासिल हुआ है तो गाइस ऑल ओवर देखा जाए तो इस स्टॉक के बारे में हमें काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है एंड इसका प्रॉ जो कह लीजिए कि इसका फाइनेंशियल सेहत भी काफ़ी